हाँ जी। तो मित्रों जेरा वीर भी फ्यूचर दे विच इटली दा टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहता है उहदे वास्ते यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट होगी। वीडियो इनवेंट तक तक जे को वीर पहली बारी चैनल पर आया तो उन्होंने दस दईए चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो ता कि कोई भी जी लेटैसट अपडेट इटली दे रिलेटेड मिस ना कर सको। चैनल नूं सबसक्राइब करो, वीडियो नूं वध तों वध शेयर करो। हाँ जी। तो मित्रों गल करनी आ इटली दे टूरिस्ट वीजे की। तुहानूं पता है इंडिया दे विच ते पाकिस्तान दे विच इन्नी तेजी दे नाल इन्ना फास्ट प्रोसीज नहीं हो रहा टूरिस्ट वीजे दे उत्ते, ते काफ़ी ज़्यादा वीर ऐसे ने जिन्हां दसंबर दे विच जनवरी दे विच या फिर 2021 की गल करिए तो का 21 दे विच वी मिड दे विच जनवरी फरवरी या अप्रैल मई दे विच वीज़ा अप्लाई किया सी टूरिस्ट वीज़ा, बट अनफॉर्चुनेटली हजे तक उन्हां दा रिजल्ट नहीं आया। तुसी एक अंदाजा ला सकते हो कि घट तो घट 6 महीने जिहड़ा ना वह हो गए ने वीरां नूं वीज़ा अप्लाई किया तो इटली की एम्बेसी नूं कोई भी रिस्पोंस फिलहाल नहीं आउण डिया। दूसरे पास असीं गल करिए तो काफ़ी ज़्यादा वीज़े ऐसे भी ने जिहड़े कि इशू कर दिते गए ने टूरिस्ट वीज़ा विजिट वीज़ा पाकिस्तान दे विच भी ते इंडिया दे विच भी। साडा एक वीर जिन्हें कि टर्की तो वीज़ा अप्लाई किया सी इटली का, उहदा वीज़ा कामयाबी नाल लग गया, बड़ा सक्सैसफुली सिर्फ और सिर्फ 23-24 दिनों के विच उहदा जिहड़ा वीज़ा वे वह लग के आ गया सी। इंडिया तो गया सी टर्की इस्तंबोल, इस्तंबोल उहदा कोल तकरीबन 3 महीनों का या आई थिंक 1 महीने का वीज़ा सी, उहने उस वीज़े की बेस के उत्ते टर्की का विजिट वीज़ा अप्लाई किया सी। उस तो बाद जिहड़ा वीज़ा उहदा मैक्सीमम जिहड़ा टाइम मैं तुहानूं दस्सण डिया तकरीबन 23-24 दिन लगे सन। उहदा वीज़े का रिजल्ट आ गया, अपॉइंटमेंट हो गई, इंटरव्यू हो गया, सारा का सारा जिहड़ा कुछ होया सिर्फ और सिर्फ 22 दिनों के विच विच होया। तो तुसीं हुण आप ही अंदाजा ला सकते हो इस स्टोरी तो कि वीर ने टर्की वीज़ा अप्लाई किया 22 दिनों के विच विच उहदा जिहड़ा वीज़ा वह लग के आ गया इटली की एम्बैसी वल्लों। तो जे तुसीं इही वीज़ा इंडिया या पाकिस्तान अप्लाई करदे ते इन्हां दिनों के विच भी मैक्सीमम जिहड़ा तुहाडा टाइम लगता है ना घट तो घट असीं टाइम दसीए तकरीबन 3 महीने तो लग ही जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 22 दिनों के विच जिहड़ा वीज़ा वह लग के आ गया। जे इंडिया पाकिस्तान तो तुसीं वीज़ा नहीं अप्लाई करना चाहते, किसी दूसरी कंट्री तो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो टर्की का या किसी भी होर यूरोपियन कंट्री का, तो सब नालों बेस्ट जी प्लेस है वीज़ा अप्लाई करने वास्ते वह है दुबई। दुबई नहीं तो फिर तुसीं अजरबाईजान जा सकते हो, अजरबाईजान भी नहीं अप्लाई करना वीज़ा तो फिर तुसीं सर्बिया जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, सर्बिया भी नहीं वीज़ा अप्लाई करना। तो इन्हां दिनों दे विच गुड तो नहीं है यूक्रेन जाना, बट फिर भी यूक्रेन काफ़ी चांस जिहड़े ने उह वध जांदे ने। किसी भी तुसीं शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो तो यूक्रेन जाके जे तुसीं वीज़ा अप्लाई कर दो, सर्बिया जाके वीज़ा अप्लाई कर दो तो काफ़ी ज़्यादा जिहड़े तुहाडे चांस ने वह वीज़ा हासिल करन दे वह वध जांदे ने। तो यह वीर की स्टोरी सी जी मित्रों, उन्हें टर्की वीज़ा अप्लाई किया इटली का विजिट वीज़ा सिर्फ और सिर्फ 22-23 दिनों के उहदा जिहड़ा वीज़ा है वह लग के आ गया वे, तो उन्होंने सक्सैसफुली फ्लाइट लैके तो इटली जा सकता वे। तुहाडा कोई भी सवाल है तुसीं थले कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो जिन्हां वीर हजे तक चैनल टीच वीज़ा पंजाबी सबसक्राइब नहीं किया तो अगर रिक्वेस्ट है कि चैनल टीच वीज़ा पंजाबी सबसक्राइब करो। मिलते हैं तुहानूं नैक्सट वीडियो ते, रब राखा।